पाकिस्तान वहाँ पे मैच जीत चुका है, hmm. छत्तीस रन उनको चाहिए जीतने के लिए और ये, विन। मैं तो ये बोल रहा हूं hmm. बाबर आजम तो रिटायर हो जाना चाहिए वो वापस आके दूसरा टेस्ट मैच में घुमाते हैं सीरीज और तीसरा टेस्ट मैच बैटिंग से जिताया उन्होंने यार पहले नोबान दद्दू चालीस रन मार गए फिर कटप्पा खून रहा है 48 नॉट आउट गया वो आउट नहीं हुआ एंड तक और फिर फाड़ के रख दिया इंग्लैंड को जब आए वापस फाड़ के रख दिया और पाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान का और आपके टीम में ऐसे नाम थे जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर सकते थे अभी शान मसूद की कप्तानी तो सबको अच्छी लग रही होगी बात ऐसी नोमान अली 18 ओवर 42 रन और 6 विकेट साजिद खान 18 ओवर 69 रन्स 4 विकेट मतलब 4 6 4 10 पूरे के पूरे इंग्लैंड को खत्म ही कर दिया भाई 177 से

यार, नुमान अली very, very well अच्छा, मुझे नहीं पता था कि पता था चलो बॉलिंग कर कार्ड दिखाना पाकिस्तान का तो यहां पे देखिए आप साजिद कटप्पा 48 बॉल्स में 48 एट रन बॉल खेला था एंड इवन नोमान अली भाई 84 बॉल्स में 45 रन बॉल से साउथ शकील 134 अगेन कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान यार बढ़िया खेले आप जीते हैं मुबारक हो आपको अपनी जीत और आगे से ना जो लोग फ्रैंकली डिजर्व करते हैं आपके एक्लेट्स आपकी वाहवाही उनको ही दीजिएगा